बैक टू माई यूट्यूब चैनल टाइगर पेट्रो एंड मिनोसाद। तो हम ऐसा प्रोडक्ट लाए अपने फिश टैंक के लिए जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, तो बने रही हमारी वीडियो में एंड तक हम सब बताएंगे कि क्या यूज़ है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो भाई आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, सो वो ग्लास क्लीनर एक है विदाउट हैंडल वगैरह, एक है विद हैंडल। तो आइए आपको दिखाते हैं इनका क्या यूज़ होता है हमारे फिश टैंक में। जैसे कि आप देख रहे हैं विद हैंडल है, थोड़ा एंटिक लगता है देखने में, इसमें अच्छा लगता है इसका लुक। इसमें एक ब्लेड भी दिया जाता है, ये ब्लेड आगे लग जाओ। जैसे कि आपने देखा ये इस अंदर की तरफ रहता है और ये बाहर, और ये विदाउट हैंडल। ये थोड़ा सिंपल लगता है देखने में, दो तरह के गिलास क्लीनर हैं। आइए इसका यूज़ दिखाते हैं अपने फिटिंग में आपको। जैसे कि आप इसका देख रहे हैं काफ़ी डस्ट जम रही है इस पर, एक्वेरियम पे बाहर भी और अंदर भी। तो इसे सिंपल लगाइए और थोड़ा पानी की छींट मार लीजिए इस पर। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लीन कर रहा है हमारे गिलास पे अंदर और बाहर दोनों तरफ से। देखिए आप कितना क्लीन कर दिया इसने। सिंपल आप इसे हफ्ते में एक दो बार कर सकते हैं, सिर्फ इसे आपको घुमाना और साइड में लगा दीजिए करने के बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं गिलास एकदम क्लीन हो गया। जैसे कि एलगी जम जाती है, एलगी भी जम जाती है, डस्ट जम जाती है। हम घर पे बैठे हैं, अब रेनी मौसम में हर किसी का दिल करता है कि पराठे खाएँ, ओली चीज़ हमारे हाथ में लग जाती है, हम ध्यान नहीं देते और अपना हाथ अंदर डाल देते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी, कह रहा मेरा हैंड तो वॉश हुआ हुआ, इसलिए मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। कभी भी अपना हैंड मत डालिए, जिससे ये होगा आपके हाथ पे जो भी केमिकल लगा हुआ है घी तेल, वो आपके पानी में मिक्स हो जाएगा। इससे आपका गिलास तो साफ हो जाएगा, साथ में आपकी फिश भी साफ हो जाएंगी जो भी है टैंक के अंदर। तो ये गलती कभी मत कीजिए, सिंपल आप गिलास क्लीनर का यूज़ कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं, जैसे कि आपने देखा कितना क्लीन हो गया हमारा गिलास। धूल डस्ट जितनी भी होती है, एलगी जम जाती है, वो सब क्लीन कर देता है। आइए आपको एक टैंक में दिखाते हैं, उसमें एलगी जम रही थोड़ी। जैसे कि देख रहे हैं एलगी जम रही है इसमें थोड़ी बहुत, और ये जम रही है, ये जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ एलगी जम रही है। सिंपल लगा दीजिए एक हिस्सा अंदर रहेगा एक बार, थोड़ा पानी की छींटा मार लीजिए इसमें। बहुत ही यूज़फुल है हमारे फिश टैंक के लिए, कभी भी आप अपना हैंड मत डालिए, क्योंकि हमारे हाथ पे केमिकल भी लगा होता है, इससे होगा आपकी फिश मर जाएंगी, वो पानी के अंदर केमिकल पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप सुबह ग्लास क्लीनर का यूज़ कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं एलगी वेलगी सब क्लियर हो, क्लीन हो गई इससे, बहुत ही यूज़फुल है हमारे फिश टैंक के लिए। जैसे कि आपने इसका यूज़ देखा, बहुत ही यूज़फुल है हमारे, थोड़ा बताते हैं ये विदाउट हैंडल है, इसे भी सिंपल अंदर लगा दीजिए आप, जिस टैंक में भी आपको लगाना, थोड़ा पानी लीजिए और अंदर बाहर से ये से भी, इसका भी सेम यूज ऐसा ही जैसा अभी आपको दिखाया हमने। एलगी हो डस्ट हो सब क्लीन हो जाता है। बस सिंपल साइड में लगा दीजिए, इससे होगा आपको बार बार अपना हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंदर। अगर आपका हाथ पर कोई केमिकल हो, अपना हाथ डालो पानी के अंदर और जो केमिकल है वो आपके पानी में चले जाए, आपका यह तो गिलास तो साफ़ हो जाएगा, आपकी फिश भी साफ़ हो जाएगी। तो आप ये चाहते हैं आपकी फिश ना मरे, तो आप गिलास क्लीनर का यूज़ कीजिए, सिंपल अवेलेबल है, आके ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।